अगर आप एक न्यू मैरिड कपल हो और अगर आपकी शादी को 12 महीने 18 महीने हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब वीडियो में से एक होने वाली है। इस वीडियो में हर वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन आउट की है जो कि एक न्यू मैरिड कपल को पता होनी चाहिए नेचुरली कंसीव करने के लिए। वहीं अगर आपकी शादी को 18 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी उन गलतियों का पता लगा सकते हो जो कि आपने की हैं, जिसके कारण आपको अभी तक बेबी कंसीव नहीं हुआ है। साथ ही दूसरों को भी एडवाइस कर सकते हो इस वीडियो को देख के। तो इस वीडियो में मैंने हर वो चीज़ एक्सप्लेन आउट की है जो कि रेगुलरली मुझसे पूछा जाता है नेचुरली कंसीव करने के लिए। चाहे मेल्स पूछते हैं कि सर हमारे जो सीमेन है वो बहुत ज़्यादा पतला है या फिर शुक्राणु की बहुत ज़्यादा कमी है तो क्या डाइट प्लान ले, उसका ट्रीटमेंट क्या है, या फिर जो फीमेल्स हैं वो ये पूछती हैं कि कंसीव कौन से टाइम करना चाहिए, कब हमें रिलेशन बनाना चाहिए। साथ ही जो हमारे हस्बैंड का सीमेन है वो योनि से बाहर आ जाता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर मेरा अंडा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो क्या डाइट प्लान मैं ले सकती हूँ, या मेरे जो हस्बैंड है उनका सीमेन बहुत ज़्यादा पतला है, शुक्राणु की कमी है, डॉक्टर ने ऐसा बताया है तो क्या डाइट प्लान हम लोग ले सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या फिर बहुत सारे जो कपल्स हैं उनको पोजीशनिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा डाउट रहता है और ये भी रहता है कि कब करना चाहिए, मतलब पीरियड साइकिल के ख़त्म होने के बाद या फिर बीच में या फिर पीरियड साइकिल के लास्ट में। तो ये बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में क्लियर आउट करेंगे। और गाइज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब वीडियो है, ये मैं आपको दूसरी बार बोल रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कंसीव नहीं होता है तो फिर 90-95% चांसेस इस बात की हैं कि आपको कोई ना कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे ही अपना टाइम ऑनलाइन वेस्ट मत कीजिए, डायरेक्ट डॉक्टर से मिलें और अपना इलाज लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की ये वीडियो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो ना हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि कब करना चाहिए, मतलब कंसीव करने के लिए कब प्लान करना चाहिए, कब हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, जो कंसीव करने की बात आती है तब सबसे बेस्ट टाइम होता है फर्टाइल टाइम में, मतलब जब फीमेल की बॉडी से एग रिलीज़ होता है। और यूजली जब आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी या दूसरों से सुना भी होगा कि एक विशेष टाइम होता है जब महिला की बॉडी से अंडा निकलता है, क्योंकि अंडा जब निकलेगा तभी महिला कंसीव करती है। तो जो अंडा निकलने का टाइम पीरियड होता है वो पीरियड साइकिल के मिड साइकिल में होता है, मतलब अगर किसी फीमेल का पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो फिर 14th डे के अराउंड अंडा रिलीज़ होता है, ऐसे ही 30 दिन का है तो फिर 16वें दिन अंडा रिलीज़ होता है। तो जिस दिन अंडा रिलीज़ होता है उसे ओवल्यूशन डे बोलते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ओवल्यूशन डे को लेकर होती है और उसका सोल्यूशन मैंने निकाल दिया है, आप इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए और इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट के अनुसार अगर आप देखोगे तो इसमें जो 21 दिन का पीरियड लेंथ है वहाँ पर आपको 4th डे दिख रहा होगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पीरियड साइकिल की जो लेंथ है वो 21 दिन की है, मतलब अगर आपको 21 दिन बाद पीरियड आता है तो फिर आपको डे 4th पर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। ऐसे ही अगर आपके पीरियड साइकिल की लेंथ 28 दिन की है तो फिर आपको 11वें दिन ट्राई करना है। इसे एक्सप्लेन आउट कर देता हूँ। मान लीजिए कि आपको पीरियड्स आ स्टार्ट होते हैं, मतलब महावारी की जो ब्लीडिंग है वो आपको आ स्टार्ट हो रही है, और अगर आपके पीरियड साइकिल की लेंथ 21 दिनों की है तो आपको आज से 4 दिन बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये रहती है कि सर कितनी बारी ट्राई करें, दिन में एक बार, दो बार, या फिर डेली हम लोग ट्राई करें, या एक दिन छोड़ के ट्राई करें, और कितने दिनों तक ट्राई करें, ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी। तो गाइस इस बात को समझने के लिए आपको साइंस की बात को समझना होगा। हमारी साइंस ये कहती है कि जो महिला का अंडा है उसका जीवन काल 24 से 48 घंटे का होता है, मैक्सिमम 48 घंटे, अदरवाइज आप 24 घंटे मान के चलें। वहीं दूसरी तरफ जो पुरुष का शुक्राणु है उसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है और मैक्सिमम 7 दिन होता है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो बेस्ट कंसीव करने के लिए हो रही है नेचुरली, तो हम सब कुछ मिनिमम
मान के चल लेते हैं, मतलब अंडे का जो जीवन काल है वो 24 घंटे का और शुक्राणु का जो जीवन काल है वो 3 दिन का, इसके बेसिस पे जो आपका डाउट रहता है कि कितनी बार ट्राई करना होता है, दिन में एक बार, दो बार या एक दिन छोड़ के, तो देखिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला कि महिला के शरीर से अंडा निकलता है और उस टाइम आप रिलेशन बनाएं, ठीक है, और जो स्पर्म है वो फिर धीरे धीरे अंदर जाएगा महिला की बॉडी में और फिर अंडे से मिलेगा और उसको फर्टिलाइज कर देगा, जिससे प्रेगनेंसी रुक जाएगी, महिला को पीरियड्स नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि महिला के शरीर से जब अंडा रिलीज होगा तो स्पर्म जो है, शुक्राणु जो है, वो एकदम से तो मिल नहीं जाएगा ना अंडे के साथ, उसको फर्टिलाइज तो नहीं करेगा, उसको अंडे तक पहुँचने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो लोग ओवुलेशन को ट्रैक करते हैं ओवुलेशन टेस्ट कार्ड से या फोलिकुलर स्टडी से, तो एक दिन पहले उनको पता लग जाता है और नियरली अबाउट वो ओवुलेशन डे जिस दिन अंडा निकलना होता है उस दिन वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर अंडा रिलीज हो जाता है और अंडा निकल जाता है अंडेदानी से और उस टाइम पर आप रिलेशन बनाते हो, तो स्पर्म को जितना टाइम लगता है अंडे के पास पहुँचने में, ठीक है, उस टाइम तक अगर अंडे की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और बाय चांस अगर आप कंसीव भी कर जाते हो तो नेचर उस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देती है, प्रेगनेंसी रुकती नहीं है, इसीलिए आपको मिसकैरेज भी हो जाता है, ठीक है। तो जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि अंडे का जो जीवन काल है वो 24 घंटे का है और जो स्पर्म का जीवन काल है वो 3 दिन का है। तो वन ऑफ द बेस्ट ये तरीका रहेगा कि हम लोग स्पर्म को ही उस विशेष जगह पर भेज दें पहले ही अंडे का वेट करने के लिए, ताकि अंडा फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है। स्पर्म वहाँ पर वेट करता रहेगा और जैसे ही अंडा आएगा तो उसकी क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, अंडा सही रहेगा और अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा। तो ये जो तरीका है, ठीक है, इस तरीके के बेसिस पर जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है ना, अगर आप उसके थ्रू रिलेशन बनाओगे तो फिर स्पर्म पहले पहुँचेगा और अंडा बाद में आएगा, मतलब स्पर्म को वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कि सर दिन में कितनी बारी रिलेशन बनाएं, तो दिन में एक बार रिलेशन बनाना काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट कॉमन गलती लोग ये करते हैं कि या तो वो ओवुलेशन डे के अराउंड रिलेशन बनाते हैं जिससे अंडे की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, बाय चांस आप कंसीव भी कर लेते हो तो प्रेगनेंसी आपको रुकती नहीं है। दूसरी नंबर पर ये गलती रहती है कि लोग जो है ना वो सोचते हैं कि कभी ना कभी तो अंडा रिलीज़ होगा और वो महीने भर रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, डेली रिलेशन बनाएंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कैसे, देखिए जो मेल है, ठीक है, जब वो रिलेशन बनाता है तो एक बारी में एक स्पर्म रिलीज़ नहीं होता, करोड़ों संख्या में स्पर्म रिलीज़ होते हैं, और वो आपकी बॉडी में आते कैसे हैं, कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं हुई है और ना ही आजकल की जो डाइट है वो इतनी अच्छी है। और दूसरी बात कि करोड़ों स्पर्म बनाने के लिए भी आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो और हफ्तों के सातों दिन अगर वो आपसे 24 घंटे काम करवाता रहे, आप बोल भी नहीं सकते हो, ठीक है, हफ्तों के सातों दिन अगर मैं आपको बोलने के लिए भी बोलूं तो आप नहीं बोल पाओगे। ऐसे ही आपकी बॉडी कैसे रेगुलर कंटिन्यूसली स्पर्म को बनाती रहेगी, ठीक है, कैसे बनाएगी, आप खुद सोच के देखो, करोड़ों संख्या में बात हो रही है, इसीलिए आपकी बॉडी को भी रेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी बात कि जो मेल्स पूछते हैं कि सर हमारे स्पर्म की जो क्वालिटी है वो ख़राब है, पतला है सीमेन और शुक्राणु की संख्या कम है, तो उसका ये कारण है कि एक तो आप डेली रिलेशन बना रहे हो और आजकल की जो लाइफस्टाइल है और जो डाइट है वो अच्छी रही नहीं है। डेली रिलेशन बनाने से एक तो स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है, दूसरे नंबर पर जो फ्लूड गाढ़ा होता है, जो सीमेन गाढ़ा होता है, उसके अंदर जो फ्लूड होता है ना वो शुक्राणु के लिए एक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, खाना होता है। अब शुक्राणु को देखिए जब आप रिलेशन बनाते हो तो फिर अंडे तक पहुँचने में ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, और उसको उस ट्रैवल को करने के लिए साथ में खाना भी तो लेके जाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रैवल कर रहे हो तो रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए आप अपने साथ में खाना लेके जाओगे कि नहीं जाओगे, सेम ऐसे ही स्पर्म के साथ होता है।
ठीक है, तो फिर आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, और जो मैंने आपको डेट्स बताई है उन डेट्स के अराउंड ही आपको रिलेशन बनाना है। तो मान लीजिए कि अगर आपका पीरियड साइकिल की जो लेंथ है वो 28 दिन की है, तो फिर आपको 11वें दिन से रिलेशन बनाना है 10 दिन तक कंटिन्यूअसली, और डेली बनाना है, दिन में एक बार काफ़ी होगा, और इस बीच में आपको डाइट प्लान अच्छा रखना है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर अभी तो आपने बताया कि डेली रिलेशन बनाने से स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो मैं आपको ये भी तो बता रहा हूँ ना कि आपको रेस्ट करना है और डाइट प्लान अच्छा रखना है। 20 दिन का जो रेस्ट है ना वो आपकी बॉडी के लिए इनफ होगा। ठीक है, डाइट क्या रखनी है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगला जो डाउट रहता है कपल्स को वो इस बात को लेकर रहता है कि सर हमने रिलेशन तो बनाया लेकिन सीमेन जो है वजाइना में रहता ही नहीं है, वो बाहर आ जाता है इसलिए कंसीव होता नहीं है। तो ये आपकी मेंटालिटी है। देखिए, जो सीमेन है वो योनि से बाहर इसलिए आ जाता है क्योंकि जो बच्चेदानी का मुंह है जिसे सर्विक्स बोलते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो 3 से 5 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, लेकिन जो उसका डायामीटर है, जो उसका मुंह है ना, वो 0.1 mm से 0.3 mm तक होता है। सेंटीमीटर में भी नहीं होता है गाइस, वो उससे भी छोटा होता है। और जो सीमेन है उसकी जो वॉल्यूम है, जो उसकी क्वांटिटी है ना, वो 3 से 5 ml की होती है। उसमें फ्लूड भी होगा, शुक्राणु भी होंगे, न्यूट्रिशंस चीज़ें भी होंगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होंगे जो कि स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होते हैं। तो जो एक्टिव स्पर्म होते हैं जिन्हें पता है कि भैया हमने कहाँ जाना है, वो इजीली ट्रैवल करके चले जाते हैं। उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सीमेन रुकता नहीं है और हम लोग जो हैं कैसे कंसीव करेंगे। और इसी बेसिस पर जो पोजीशनिंग रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रखती है, लेकिन इतनी भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, तो अगला यही है कि पोजीशनिंग कौन सी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पोजीशनिंग का कोई मेन रोल नहीं होता है, लेकिन जब आप रिलेशन ख़त्म कर लो तो फीमेल को कुछ टाइम के लिए, मतलब आधा घंटा या 45 मिनट तक लेटे रहना चाहिए सुपाइन पोजीशन में, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, और 45 मिनट काफ़ी होंगे स्पर्म को ट्रैवल करने के लिए, अंदर वो स्विम करके चला जाएगा और जो सीमेन निकल रहा है उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला है डाइट प्लान। अब देखिए, जहाँ पर नेचुरल कंसीव करने की बात आ रही है वहाँ पर आप सप्लीमेंट्स को, मेडिसिन को बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है, दूसरी बात कि डाइट प्लान क्या रहे, इस पर लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मैं किस पर करता हूँ, माइंडसेट पर। देखिए, जो नेचर है ना उसको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है, और कंसीव करना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। जब फीमेल बर्थ लेती है, इनफैक्ट जब आप बर्थ लेती हो ना, अगर आप मेल हो, आप वीडियो देख रहे हो, जब आप बर्थ लेते हो ना तो कुदरत आपको उसी टाइम से ही तैयार कर रही है, और आपका यहाँ पर जीवन लेने का, जो आप पैदा हुए हो, इसका मेन जो मेन कारण है अगर हम लोग साइंस की बात करें तो वो ये है कि आप अपनी जो प्रजाति है उसको प्रोग्रेस करें। अगर आप अपनी प्रजाति को विकसित नहीं कर सकते हो तो आपका जीवन जीने का कोई बेनिफिट नहीं है, नेचर ये बोलती है। और बेबी कंसीव करना, प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और आपके माइंड सेट का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, जो भी फीमेल या जो भी मेल बहुत ज़्यादा तनाव में, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, आप कंसीव कर ही नहीं सकते हो। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है तो आपका अंडा ही रिलीज़ नहीं होगा, ये कुदरती होता है, इसमें कोई अदर फैक्ट नहीं होता है। आप खुद मान के चलो कि अगर आपको नेचर पावर दे देती है किसी को कंसीव कराने के लिए, तो आप क्या किसी को नया जीवन ऐसे वातावरण में दोगे जहाँ पर दुख बहुत हो, टेंशन बहुत हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से का माहौल हो, क्या वहाँ पर कोई नया जीवन पनप पाएगा? क्या आप ऐसे ही जगह पर किसी को नया जीवन दोगे? नहीं ना, तो सेम ऐसा कुदरत भी करती है। डाइट प्लान से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने आसपास के वातावरण को खुशनुमा बनाएं, अच्छा बनाएं, अपने पार्टनर को खुश रखें, खुद को भी खुश रखें। अब अगला आता है डाइट प्लान। तो गाइस देखिए, डाइट प्लान में आप हर वो नेचुरल चीज़ खा सकते हो जो कि सीज़न की होती है, सीजनेबल होती है। जो फीमेल्स हैं ना, फीमेल्स के लिए फ्रूट जूस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है,
खास तौर पर जिनका जो कलर है वो रेड है, जैसे चुकंदर, गाजर, अनार, काले अंगूर, केला खा सकती हैं फीमेल्स, या फिर सीज़न की कोई भी जो सब्जी चल रही है पत्तेदार, जैसे पालक है या फिर साग है या फिर चौलाई का साग है या फिर धनिया है, ये सारी चीज़ें फीमेल्स को कंसीव करने में नेचुरली हेल्प करती हैं। वहीं अगर मेल्स की बात करें तो जो मेल्स हैं वो केला, सीज़न का कोई भी फ्रूट, कोई भी सब्जी अगर आप खाते हो, सलाद खाते हो, तो नेचुरली आप कंसीव कर सकते हो, लेकिन माइंडसेट को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, ऐसे ही डार्क चॉकलेट आप खा सकते हो दोनों, या फिर जो मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे मखाने हैं, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, आप वो खा सकते हो। इससे आपको नेचुरली कंसीव होने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है उसके थ्रू आप कंसीव कर जाओगे, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। ठीक है, एक बार अगर आपको कंसीव नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, चार बार नहीं हुआ, साल में 12 महीने आते हैं, आप कंसीव 100% कर जाओगे। लेकिन कंसीव एक दो बारी में नहीं हो रहा ना, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है जब मेरे से लोग कंसल्ट करते हैं ना, तो जो मेरा पहला काम रहता है उनके माइंडसेट को चेंज करना होता है, जैसा मैंने आपका इस वीडियो में किया है, और इमोशनली सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप सामने वाले को ये साबित कर देते हो ना कि वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और नॉर्मली वो कंसीव कर सकते हैं, तो वो नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। और इस वीडियो को देख के अगर आपको एक साल तक कंसीव नहीं होता है, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। इंटरनेट पर वीडियोस को देखकर, ब्लॉग्स को देखकर इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। आज के टाइम में जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, और आपके लिए कोई ना कोई मेथड ज़रूर होगा जिससे आपको कंसीव हो जाएगा। तो डोंट वरी, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपने मुझे इतना सारा वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।